नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल द मनोज में। और आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड बनाने के लिए 15 तक करें आवेदन, जिसके बाद झारखंड सरकार खाद्य सुरक्षा योजना शुरू करेगी। जैसे कि आपको पता होगा कि ये योजना, जो भी राशन कार्ड अप्लाई किया जा रहा था वो मात्र 30 तारीख तक ही थे, और अब बढ़ा करके 15 तारीख कर दिया गया है। अब 15 तारीख तक आप आवेदन को जमा कर सकते हैं अपने मुखिया के पास, आपको एमओ के पास जमा करना है प्रखंड में। इस संबंध में विभाग के निर्देश दिलीप तिर्की ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। रांची सहित राज्य भर में राज्य खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 15 नवंबर से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की जानी है। इसको लेकर विभाग ने 15 सितंबर से 30 सितंबर तक लाभुकों के चयन के लिए आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन इस अवधि में अभी तक अपेक्षित आवेदन प्राप्त नहीं हुए। इसे देखते हुए विभाग ने 15 अक्टूबर तक आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में विभाग के निर्देशक दिलीप तिर्की ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है, साथ ही कहा है कि इस योजना का व्यापक प्रचार कर लाभुकों के चयन के लिए आवेदन प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसको लेकर डीसी छवि रंजन के सभी प्रखंड व अंचल के पदाधिकारियों को योजना के प्रचार प्रसार एवं योजना के तहत आवेदन समर्पित करने को लेकर कैंप लगाने का निर्देश दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि पहले की जो राशन कार्ड अप्लाई करने का डेट था वो मात्र 30 सितंबर तक था, 15 से 30 सितंबर के बीच में आपको जमा कर देना था, लेकिन अब उस डेट को बढ़ा करके 30 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अगर अभी तक आपने राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया है तो आप जमा कर दें, जल्द से जल्द जमा कर दें, ताकि आपको राशन कार्ड प्रदान कर दिए जा सके हमारे झारखंड सरकार के द्वारा, हमारे हेमंत सरकार के द्वारा। और अभी बहुत ही अच्छा, जैसे कि अभी टाइम बढ़ा दिया गया है, 15 से 30 सितंबर था, अब बढ़ा करके 30 से 15 अक्टूबर कर दिया गया है। इसके बीच में आप जा कर के आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट के साथ आप जमा करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट चाहिए आधार कार्ड, राशन कार्ड का जरूरत नहीं है, इसमें एक फॉर्म लेना है और फॉर्म को भर करके आपको जमा कर देना है, क्योंकि आपके पास राशन कार्ड नहीं, इसीलिए आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो जितने भी परिवार में आपका आधार कार्ड है उस आधार कार्ड को ले लेंगे और एक फॉर्म ले लेंगे। फॉर्म आप किसी भी दुकान से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो फॉर्म कैसा होगा हम आपको दिखा रहे हैं। और राशन कार्ड एप्लीकेशन का फॉर्म कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, आवेदन पत्र जो आपको भर के जमा करना है, नीचे में यहाँ पे पारिवारिक विवरण, ये सारा विवरण भर देना है नीचे में, और ये सारा जो भी कॉलम है उस कॉलम को भर देना है और उसे जमा कर देना है। चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय।